हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेल जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और यूट्यूबर्स करेंगे हमसे ट्रेड, वो भी ओपी आइटम्स। तो मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेट हो गया आने में, तो जल्दी जल्दी गेम स्टार्ट करते हैं। वैसे ट्राई तो पूरा करता हूँ मैं वीडियो लाने की, पर क्या करूँ स्टोरी नहीं मिलती। तो जो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, तो भाई आगे हमें टेक्नोलॉजी भाई दिख रहे, देखते हैं क्या ट्रेड करते हैं या किसके बदले में ट्रेड करते हैं, यही देखते हैं। तो आप क्या ट्रेड कर रहे हो भाई, आपके टॉपिक कहाँ का ही पता नहीं भाई। ये तो सिर्फ नेदरराइट के टूल्स ये कर रहे हैं ट्रेड, और एक टोटेम भी है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे ये लाल कपड़ों में कौन है, चलो इनसे बाद में मिलेंगे हम लोग आगे। भाई साहब आगे भिले से जल्दी जा रहा हूँ भाई, इस भिले में लूट मचाने। और मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना यहाँ किसी को फ्लेचर के जॉब दे दूँ, फिर उससे ट्रेड करूँगा एमराल्ड, फिर यूट्यूबर से ट्रेड करूँगा। जल्दी जाते भाई इस विलेज में, कितना बड़ा विलेज है या इतना ही छोटा विलेज है पता नहीं। तो फिर हम लोग आ गए विलेज में, और यहाँ कोई चेस्ट तो नहीं है, ऊपर से चेक कर लेते हैं ऊपर कोई चेस्ट है या नहीं। तो नहीं है यार, यहाँ भी चेस्ट नहीं है। कितना गरीब विलेज है भाई, इतना बड़ा घर बेकार बना रखा है। तो देखते हैं आगे कोई किसी घर में या चेस्ट वेस्ट मिलता है या नहीं। जल्दी जाते हैं भाई, छोटा विलेज है क्या भाई, सिर्फ छोटे छोटे घर है ना, ब्लैक स्मिथ मिल रहा है ना कुछ। यार फोन बंद सेट कर लेता हूँ भाई, जा रहा मैं। कहाँ जाओ, अरे भाई जाओ कहाँ मैं, इतना छोटा विलेज भाई, यहाँ कॉल कर रहा है। और मुझे पता है यहाँ कुछ लूट मिलती नहीं है, मुझे पता है भाई यहाँ तो लूट मिलेगी नहीं। देख लो भाई, विश्वास ही नहीं है। और क्या बोला था, एक चेस्ट भी नहीं है यहाँ। तो ऊपर भी जा रहा हूँ, अरे भाई ऊपर कैसे जाऊँ, कोई नहीं, इसे तोड़ दूंगा फिर इसे इसका जगह प्लेस कर दूंगा, क्यों है ना मज़ेदार बात। यहाँ देखता हूँ भाई फार्मर से निकाल रहा कुछ फूड मिल जाता, कुछ नहीं मिला। तो चलते चलते भाई सब आगे आगे, देखते हैं कितना बड़ा विलेज है भाई, छोटा विलेज है क्या। नहीं भाई ऊपर भी विलेज है, ब्लैक स्मिथ है क्या कहीं, ये वीडियो को मालूम क्या। नहीं यार इन बोलने में जी जा रहे हैं, और यहाँ अरे भाई मिथ पर को अच्छा, सॉरी मिथ पैट स्मॉल साइज में भाई कुछ ट्रेड नहीं कर रहे भाई। अंदर देखता हूँ कुछ है भाई, कार्टोग्राफर भाई यहाँ चेस्ट है क्या, क्या है भाई ये, भाई ये विलेज सच में गरीब है यार, कुछ फूड भी नहीं दिया, एक ब्रेड भी नहीं दिया, विलेज के नाम पे कलंक है ये। चलो देखता हूँ और कई घर में, और किसी घर में कुछ मिलता या नहीं। ये भी लंबा घर उसी के जैसा लग रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ भी कुछ होगा। हाँ उसी के जैसा सेम है, नीचे से भी ऊपर से भी वैसा ही है। तो निकलते इस घर से, क्या टाइम वेस्ट करना। आगे ये कौन था भाई, ये ब्लैक एंड वाइट कोट पैंट में, सॉरी जैकेट में। अरे भाई ये तो किसान है, क्या ट्रेड करते हैं भाई। भाई सिर्फ पत्ती ट्रेड कर रहे थे, मैं क्या करूँगा बाकी यहाँ से। चलो जा रहा हूँ फिर से मिलने। अरे भाई सब गेमर फ्लिट, अरे रुको भाई, अरे रुको रुको, हाँ भाई रुक गया। अरे गेमर भाई सिर्फ एरो यार, एक ही एमराल्ड में ट्रेड करना था, इतने सारे स्लॉट बनाने की क्या जरूरत थी। एक स्लॉट में भी काम हो जाता भाई इन माइनक्राफ्ट वालों का, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। चलो देखता हूँ और किसी घर में कोई ट्रेड व्रेड, मतलब भाई कोई लूट है ही नहीं इस विलेज में, बेकार ही आ गया हूँ भाई। यहाँ एक और चेस्ट, ये भी गरीब है, सिर्फ चार ब्रेड मिले हैं। कुछ पेपर ले लेता हूँ, कोई ट्रेड कर ले तो कर ले, नहीं तो जाए भाड़ में, सॉरी। तो यहाँ से निकलता हूँ, अरे निकलने में चलो ठीक है। अरे भाई यहाँ मिस्टर बीस्ट हमें पेड़ के तोड़ रहा था। चलो यार मिस्टर बीस्ट क्या भाई सर, बोला था ना ये बहुत खतरनाक स्वॉर्ड ट्रेड करते हैं, अवतार स्वॉर्ड। जल्दी जल्दी उड काट लेता हूँ मैं, उड से ही तो क्या कहते हैं टूल्स बनाऊंगा, क्राफ्टिंग टूल बनाऊंगा। तो गाइस जो इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि मेरा अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाओ या किस टॉपिक पर बनाओ, क्या स्टोरी करूँ उसका। तो भाई मुझे कुछ समझ तो आता नहीं, आप ही लोग कुछ बताओ, आप ही लोग के पसंद से मैं बनाऊंगा वीडियो। तो फाइनली मैंने इतने सारे वुड कलेक्ट कर लिए हैं, इनसे मैं इनके प्लैक्स बनाऊंगा, क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा, और इनसे थोड़े स्टिक्स बना लूंगा मैं। तो अब यहाँ क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करेंगे, यहाँ से कुछ टूल्स बना लेंगे। सबसे पहले तो खो बना लेंगे भाई साहब, खो तो ज़रूरी है ना, उससे ही तो फ्लिंट लूंगा। तो भाई ले लिया कि एक से तोड़ दूंगा मैं क्राफ्टिंग टेबल, और जाते कहाँ पर पानी था भाई, हाँ जहाँ पर स्पॉन हुआ था उसका आगे पानी था, जाता हूँ बाद मारन गोलम को भी मार देंगे भाई। जल्दी जल्दी जाते हैं भाई, आगे ही है समंदर, खुला समंदर, जा रहा हूँ उधर फ्लिंट इकट्ठा कर लूँगा मैं। तो फाइनली मैं पहुँच गया जहाँ से हमें फ्लिंट इकट्ठे करनी थी। तो जल्दी जल्दी हम लोग फ्लिंट तोड़ लेते हैं, सॉरी ग्रेवल तोड़ लेते हैं, और उससे ही हम लोग को मिलेगी फ्लिंट। मुझे मैक्सिमम दो चाहिए भाई, उससे ज़्यादा दो से ही मेरा काम हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा लेकर मैं करूँगा क्या। जल्दी जल्दी तोड़ते हैं भाई, दो फ्लिंट के बाद मैं आज चला जाऊँगा यहाँ, लेकर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे इंडर ड्रैगन को मारना है। चलो दो के दो ले लिए मैंने, नहीं एक लिए थे, चलो ये दूसरा भी ले लिया मैंने भाई। आगे ये लाल कपड़े वाला कौन है, चलो हटाओ कोई भी रहे मुझे क्या। जा रहा हूँ यहाँ से एक फ्लैशिंग टेबल बना लेता हूँ। चलो भाई साहब जाएंगे हम लोग विलेज में किसी को देने के लिए जॉब, भाई जॉब देंगे
और क्या, ब्रेड व्रेड तो उन्हें दूंगा नहीं क्योंकि वो लोग ब्रेड करने लगते हैं, और ब्रेड ऐसी मेरी काम की चीज़ है, वो लोग करेंगे ही क्या। ऐसे भी ये विलेज इतना भरा हुआ है, ऊपर से कंगाल विलेज है जो अलग, ये लोग ब्रेड करके विलेजर्स बढ़ा लेंगे, उन विलेजर्स को देंगे क्या भाई खाने के लिए, सब तो भूखे ही मर जाएंगे। तो इससे अच्छा अन्य काम मैं करता हूँ, ब्रेड मैं ही रख लूँगा, मैं ही खाऊँगा, जाता हूँ किसे जॉब दूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, सबके पास एक एक जॉब है। तो क्या करता हूँ मैं, किसी का ब्रूइंग स्टैंड तोड़ देता हूँ मैं, ये जो घर है ना इसी में जो ब्रूइंग स्टैंड है उसे तोड़ दूँगा, और फिर उसके जगह लगा दूँगा मैं अपना फ्लेचिंग टेबल। तो जो ये हाँ क्या रहता है वो भाई विजार्ड या पता नहीं क्या रहता है, तो उन्हें मिल वो बन जाएंगे फ्लेचर, और फिर उनसे मैं ट्रेड कर लूँगा स्टिक के बदले एमराल्ड, और एमराल्ड से मैं ट्रेड करूँगा यूट्यूबर्स से, और फिर जाऊँगा मारने एंड ड्रैगन को। तो भाई कहाँ है, किसी का जॉब चेंज हुआ क्या, हुआ चलो घंटा बजाता हूँ, चलो बजा दिया मैंने घंटा, आप सारे प्लेयर्स अपने घर की तरफ जाएंगे, और मैं चेक करूँगा या आखिर सबका जॉब ट्रेड सॉरी सबका जॉब चेंज हुआ या नहीं। तो उससे पहले कुछ हेबल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, खाने की कंगाल ही पड़ जाएगी मेरी, तो ये प्लेयर्स तो जिंदा रह जाएंगे, मैं ही टपक जाऊँगा, फिर इंडरलैंड को कौन मारेगा। तो देखता हूँ किसका जॉब चेंज हुआ और किसका नहीं हुआ। भाई साहब थक गया हूँ यार हेबल तोड़ तोड़ कर, मतलब क्या ही बताऊँ, जल्दी जल्दी हेबल तोड़ देता हूँ मैं। तो अब देखना पड़ेगा जॉब चेंज हुई किसी की या नहीं। तो आ गया हूँ मैं यहाँ, यहाँ से तोड़ देता हूँ, कहीं और लगाऊँगा, यहाँ तो किसी की जॉब चेंज हो ही नहीं रही, जा रहा हूँ यार कहीं और ही लगा दूँगा, सबके सब गजब बेइज्जती कर रखे हैं मेरी। तो जा रहा हूँ, एक घर देखा था मैंने, वहीं लगा दूँगा। हाँ ये रहा वो घर भाई, ये पेड़ गिरा कर क्या रास्ता है अंदर, नहीं रही सीढ़ी भी है, तो लगा लिया मैंने, और देखते हैं अब किसी की जॉब चेंज होती है या फिर से किसी की जॉब चेंज नहीं हुई तो मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। एक टॉर्च ले देता हूँ यहाँ से और जाता हूँ भाई उधर कि कार्टोग्राफर के ये हुई क्या कहते उसे चेंज हुई या नहीं जॉब। अभी तक तो जॉब चेंज नहीं हुई, पर ये टेबल तोड़ दूंगा मैं इसकी तो चेंज हो ही जाएगी। भाई तोड़ दिया इसका टेबल, भाई बेरोजगार हो गया, जा अपने घर। अरे जा, चलो जाके घंटा बजा देता हूँ मैं। अरे घंटे तो आज फिर से बजाऊँगा मैं, चलो जाओ सब घर। अरे ये कहाँ जा रहा है, चलो भाई जा रहा है घर, का पीछा मैं भी करूँगा घर जाता या कहीं और। पहुँच गया कि घर, लेकिन वो तो उसका तो जॉब चेंज नहीं हुआ, पर पता नहीं किस विलेज की जॉब चेंज हो गई। तो ये मुझे दे रहा स्टिक्स के बदले एमराल्ड, जल्दी जल्दी जाते हैं हम लोग स्टिक इकट्ठा करने, पर उससे पहले हम लोग मारेंगे आयरन गोलेम को, और उससे बनाएंगे एक आयरन की एक्स, और फिर तोड़ेंगे हम लोग लकड़ी 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 मीन्स वुड। तो ये आयरन गोलेम कहाँ चल गया, अरे गया कहीं आयरन गोलेम, उतने से तो दिख रहा था, अब उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था नहीं दिख रहा, अभी भाग गया क्या गया, लगता उसे पता चल गया कि मैं उसे मारने वाला हूँ इसलिए भाग गया। लेकिन उससे पहले यहाँ उसकी ये लगा देता हूँ कार्टोग्राफी टेबल, और ये कारपेट भी मैंने तोड़ दिया था, तो वहाँ मैं लगाता हूँ ये वहाँ लगाता हूँ, क्योंकि उसके तो भाई सब जॉब चेंज हुई नहीं, तो इसे तोड़ने का रख के फायदा सिर्फ इन्वेंट्री फुल करनी है। तो भाई साहब ये आयरन गोलेम कहाँ चल गया, अरे यार कहाँ है आयरन गोलेम, ओ आयरन गोलेम अरे मिल जा, अरे कहाँ है, अरे यार मिल जा यार, क्यों यार मेहनत करवा रहा है मुझसे, ये मुझसे मजा ले रहा है ये आयरन गोलेम भी, अरे ये आयरन गोलेम की तो जैसी की तैसी। चलो जाके सो जाता हूँ, सुबह हो गए तब बताऊँगा उस आयरन गोलेम को। तो भाई ये तो फोटोग्राफर है, सॉरी मुझे लगा फ्लेचर है। चलो जैसे ही ये सोएगा इसे मार कर मैं सो जाऊँगा भाई। तो ये मैं इसे गप्पे सच पे लड़ा रहा हूँ, भाई सो गया यार, तुझे इज्जत नहीं करनी आती क्या, मेहमान के घर में मेहमान है पहले सो जाता है, उसकी इज्जत ही नहीं करनी आती, मैं उसे गप्पे से लड़ा रहा था। चलो भाई सुबह हो गई, अब ढूंढेंगे हम लोग अपने दुश्मन को और करेंगे अपनी परंपरा पूरी, मतलब आयरन गोलेम को मार के। हाँ दिख गया भाई हम आयरन गोलेम अपना दुश्मन, सदियों का दुश्मन, इसे मार के अपनी परंपरा पूरी करेंगे माइनक्राफ्ट की। अरे अरे तेरी भैंस की टांग, अरे भाई सब मार दिया, भागो यहाँ से भाई, भागूंगा यहाँ से, तीन ब्लॉक ऊपर चढ़ जाऊँगा, ग्राइवर से चढ़ना पड़ेगा मुझे, भागो भाई साहब तीन ब्लॉक ऊपर। अब तो इसकी मैं छक्का छुड़ा दूंगा यार, कहाँ आ गया आ गया, हाँ भाई साहब अरे आ यार, हाँ ये तो गया। अब तो इसकी बैंड बजा दूंगा, पहले ब्रेड खा लेता हूँ उसके बाद इसकी बैंड बजाऊँगा। तो अब ये तू खाने वाला है फटके मुझसे भाई, इसके चक्कर में मेरी सवल टूट गई यार, एक टूट गई क्या ही बताऊँ। चलो इसने दिया है मुझे पाँच आयरन, जल्दी जल्दी इससे एक बनाएंगे हम लोग एक्स, पर उससे पहले बनाएंगे एक शील्ड। तो अब एक आयरन जो है उसे हम लोग रख देंगे, संभाल कर यार, संभाल कर उस आयरन को रख देंगे हम लोग। चलो हटाओ यार,
अभी रखना ही क्या, अभी ऐसे ही रहने दो। जा रहा हूँ यार पेड़ काटने, उससे पहले सब कुछ का वेट बना लेंगे हम लोग, वीट वीट वीट, और उस वीट से हम लोग बनाएंगे ब्रेड, और ब्रेड बनने के लिए हमें चाहिए क्राफ्टिंग टेबल, इसे लगा दिया हमने, इससे बन जाएंगे हमारे ब्रेड, 63 ब्रेड्स हमारे बन जाएंगे। जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग ब्रेड। भाई भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है ना, क्या बताऊँ, एक ही ब्रेड तो मेरे पास बची थी, जल्दी जल्दी से तोड़ देते हैं हम लोग। अब जाएंगे हम लोग लकड़ी को काटने के लिए, तो चलो भाई लकड़ी काटने जा रहा हूँ मैं, और फिर इसे उठ के बनाऊंगा मैं प्लैंक, और उस प्लैंक के बनाऊंगा मैं स्टिक्स, तो जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। तो फाइनली मैंने काट लिए बहुत सारे वुड, तो जाते हैं उसी घर में जहाँ से मुझे ट्रेड करना था। तो ये भाई, अरे अरे भाई, उससे पहले मुझे प्लैंक्स और स्टिक्स तो बनाने होंगे, चलिए इसके बनाऊंगा मैं प्लैंक्स, और प्लैंक्स के बनाने के बाद मैं इससे बनाऊंगा स्टिक्स, और जल्दी जल्दी उस साइड हम कर लेंगे ट्रेड। अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया यार, वहाँ का कहाँ गया, अरे भाई वो तो घर ही के अंदर है। अरे भाई देखो भाई घर के अंदर यार, कोने में क्यों छुप रखा है, भाई मारूंगा तुझे। चलो जल्दी जल्दी से ट्रेड कर लेते हैं, मैंने बहुत सारा एमराल्ड, जल्दी जल्दी दो मुझे एमराल्ड्स चाहिए। चलो एमराल्ड्स तो मुझे 8 मिल गए हैं, कुछ और स्टिक्स बना लेता हूँ, एक और एमराल्ड तो इससे लूँगा थोड़े, और भाई साहब दो, हाँ अब तो इससे एक और एमराल्ड लूँगा, फिर 9 के 9 हो जाएंगे। ले लिया इससे एमराल्ड, जा रहे भाई साहब यूट्यूबर से ट्रेड करने के लिए और तैयारी करने के लिए एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, तो जल्दी जल्दी ढूंढते यूट्यूबर्स को। तो फिर जाता हूँ मैं उज्ज्वल भाई के पास, जो कि उस साइड मिलेंगे, और उससे पहले अगर भाई मिलता है तो उससे भी ट्रेड कर लेंगे। पर भाई मिस्टर बीस्ट थे ना उधर जंगल की तरफ, तो देखते हैं अभी है या नहीं है। तो जंगल की तरफ, हाँ भाई इसी पेड़ के पीछे मुझे दिखे थे, वो कौन था भाई साहब, वो ठीक आदमी नहीं है, वो मुझे बेडरॉक ट्रेड करता है, बेडरॉक का मैं करूँगा क्या, रड़ा भाई। ये मिस्टर बीस्ट कहाँ चले गए, ज़रूरत के टाइम पर तो दिख ही नहीं रही है मिस्टर बीस्ट। अरे भाई मिस्टर बीस्ट करोड़ों रुपए दूंगा तुझे, एमराल्ड्स भी ले लिया मैंने। भाई ये कौन है, रॉनी भाई, अरे रॉनी है क्या, नहीं भाई एंट्रियों भी है भाई, इतने मस्त चीज़ भाई सब, इससे तो एक डायमंड ले लूँगा मैं, एक स्टैक डायमंड भी एक एमराल्ड में, इससे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं हो सकता, ले लेता हूँ। चलो भाई साहब इससे तो ले लिया मैंने, वैसे ये मिस्टर बीस्ट पता नहीं कहाँ रह गए। पर उससे पहले ज़रा अपने ज़रा डायमंड के टूल्स, डायमंड के आर्मर रेडी कर लेंगे हम लोग, उसके बाद जाएंगे हम लोग ढूंढने के लिए बाकी यूट्यूबर्स को, खासकर कि मिस्टर बीस्ट को। ये हम लोगों ने रेडी कर लिया अपने डायमंड के आर्मर, डायमंड के टूल्स, जल्दी जल्दी से पहन भी लेते हैं, और हम लोग दिख रहे हैं एकदम हीरो। तो गाइस लग रहा हूँ ना बिल्कुल हीरो ऑफ द विलेज, तो अब जाऊँगा। तो गाइस मैंने इसे थोड़ा अपग्रेड कर लिया है, तो देखो एमराल्ड से मैंने बिक्सो से कुछ नेदरराइट ब्लॉक्स को ट्रेड कर लिया था, और थोड़े आयरन ब्लॉक्स ट्रेड किए थे, फिर उससे मैंने आयरन बनाया, फिर उससे मैं स्मिथिंग टेबल बनाया, सॉरी उसे स्मिथिंग टेबल कहते हैं ना, हाँ हाँ भाई साहब उसे स्मिथिंग टेबल ही कहते हैं, और उससे मैंने अपग्रेड कर लिया अपने डायमंड के सारे चीज़ों को नेदरराइट के टूल्स और आर्मर्स में, और तब भी इतने सारे बच रखे, ये क्या मेरे रास्ते में है, भाग यहाँ से। अरे ड्राउन तेरी भैंस की टांग, तेरी भैंस की नहीं तेरी परिवार की टांग, चल भाग यहाँ से। अब हम लोग किससे ट्रेड करने जाए भाई, जा रहा हूँ उज्ज्वल से ट्रेड करने, सॉरी टेक्नोगेमर्स भाई से ट्रेड करने, उज्ज्वल भाई से ट्रेड करने हम लोग जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर कोई और मिल जाता तो उससे भी ट्रेड कर लेते, पर रात हो रही है तो ज़रा जाकर सो जाता हूँ, उसके बाद आएंगे ट्रेड करने। तो जा रहे जल्दी जल्दी भाई साहब सो जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं सोया तो ये जॉम्बीज मेरा बैंड बजा देंगे, वैसे जॉम्बी क्या मेरा बैंड बजाएंगे, मैं ही उनका बैंड बजा दूंगा। तो ये हम लोग 100 करोड़ उठ चुके हैं, तो जा रहा हूँ टेक्नोमर्स भाई के साथ ट्रेड करने। तो वो उस साइड पे थे तो उस साइड मुझे जाना होगा, ये खेत में लैंडिंग से बोले कोई सिर्फ मारा गया पीछे से भाई, है तो नहीं कोई पता नहीं भाई, मुझे लगा किसी ने मारा मुझे, धक्का दे दिया, चलो हटाओ कोई बात नहीं। तो उस साइड हम लोग हमें जाना होगा ट्रेड करने के लिए एमराल्ड से कुछ नेदरराइट का आर्मर, नेदरराइट का आर्मर हटाओ भाई, मुझे उनसे सिर्फ टोटेम चाहिए, और एक बोल लूँगा चाहे नहीं भी पता नहीं भाई, बोल लेना सही होगा या नहीं। ये रहे मिथ पैट भाई साहब, इन्होंने तो भाई ये तो मेरा प्लान भी नहीं था, सारे एंड फ्रेम का पोर्टल भाई साहब पूरा मैंने इनसे ट्रेड कर लिया है। ये उज्ज्वल भाई कहाँ है, उस टाइम तो बहुत दिख रहे थे, कहाँ चले गए, ओ भाई ये तो इधर गड्ढे में फंस रखे भाई, इधर से तो आ सकते थे, पता नहीं क्या हो गया। तो इनसे मैं ले लूँगा टोटम, अरे भाई कहाँ बंद हो गया, हाँ तो टोटम ले लिया मैंने इनसे। तो अब क्या, अब मुझे सिर्फ दो ही आदमी चाहिए, स्मार्टीपाई और मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट से मैं लूँगा स्वॉर्ड, और स्मार्टीपाई से लूँगा मैं गॉड आर्मर,
शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, स्मार्टी पाई मुझे गॉड आर्मर देने वाले थे, ये मुझे मिल गए मिस्टर बीस्ट, मिल नहीं रहे थे यार, बहुत मुश्किल से मिले हैं। चलो लो भाई, एक मिले तो दूसरा भी दिख गया भाई, गजब भी जाती है यार, उतने देर से ढूंढ रहा था यार, मिले नहीं रहे थे, और जब मिला तो दो मिल गए, मतलब क्या ही बताऊँ यार, किस्मत ही ख़राब है। अब मुझे ढूंढना है स्मार्टी पाई को, ज़्यादा जल्दी दे स्मार्टी पाई को ढूंढ लेते हैं। अब मेरे पास कितने हैं, सिर्फ दो है भाई, सिर्फ दो एमराल्ड मेरे पास है, आगे बिकसुत है जिससे मैंने ट्रेड कर लिया था, और ये स्मार्टी पाई भाई, स्मार्टी पाई भाई बोला था ना गॉड आर्मर देंगे मुझे भाई, क्या ख़त्म हो गया। अच्छा उस बिल्ले को मार दिया था मैंने, एक हेलमेट हो गया। मुझे एक और एमराल्ड चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए स्टिक्स, उससे मैं ट्रेड कर लूँगा, तो जल्दी जल्दी तोड़ देते हैं भाई सब उड को, और जाके फिर से ट्रेड करके आएंगे उनसे, उससे सॉरी, जल्दी जल्दी तोड़ लेता हूँ, फिर इससे मुझे प्लैंक बनाने हैं, फिर उससे मुझे बनाने हैं कुछ स्टिक्स, तो मुझे फिर से उसके घर भाई साहब, या तो इधर ही खड़ा है, तो इससे मैं ट्रेड कर लूँगा, जल्दी जल्दी प्लैंक्स बना लूँगा, फिर उससे थोड़े स्टिक्स बना लूँगा मैं, ताकि मुझे बस एक एमराल्ड की ज़रूरत है, बस एक भाई, बस एक एमराल्ड की ज़रूरत है मुझे, दे दे भाई साहब, ले लिया मैंने इससे दो एमराल्ड ले लिए, जा रहा हूँ स्मार्टी पाई के पास। भाई स्मार्टी पाई कहाँ है भाई, कहाँ है स्मार्टी पाई यार, स्मार्टी पाई क्यूट स्मार्टी पाई, सॉरी यस स्मार्टी पाई भाई कहाँ है भाई, है कहाँ, बिक्सू यहीं पर है तो स्मार्टी पाई, हाँ भाई यहीं पे है भाई, हिलता वलता नहीं है क्या, अरे अरे भाई हिलता हिलता भाई 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 रुक 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 भाई, अभी उदास नहीं हो, तो इससे मैं ले लूँगा बूट्स, गॉड बूट्स। अब जल्दी जल्दी से हम लोग पहन लेते हैं और हो जाते हैं पावरफुल, तो दिखता रहे हैं जैसे नेदरराइट का एन्चेंटेड आर्मर हो, पर है तो गॉड आर्मर। जल्दी जल्दी से पहन लूँगा, हाथ में कुछ रेडी प्रिपरेशन हो जाएंगे भाई साहब, 25 हार्ट्स हो गए मेरे, और मुझे इफेक्ट मिल चुका है स्ट्रेंथ का, जिसे ही मारूंगा वो एक अटैक में ख़त्म, और ये लो स्मार्टी पाई को ये सब दे देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे स्मार्टी पाई, आपने मुझे इतने तगड़े आर्मर दिए, मैं आपको ये सब नहीं दे सकता, लो लो रख लो रख लो, अरे भाई वो तो चले गए, वैसे मुझे क्या, मुझे मेरा देना कौन था, मैंने दे दिया, वो ले चाहे ना ले। अब जाते जल्दी जल्दी अपना, हम लोग बनाएंगे एंड पोर्टल और मारेंगे आकर एंडर ड्रैगन को, तो कहाँ बनाऊँ मैं एंड पोर्टल, कोई अच्छा सा जगह ढूंढ लूँगा मैं, तो यहीं पर कहीं, यहीं आसपास कहीं बना लूँगा मैं, हाँ यही जगह ठीक है भाई, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड पोर्टल। तो यहाँ 3x3 का एंड पोर्टल बनता है ना, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक और फिर थोड़ी गलती हो जाएगी। अब समय मुझे भरने होंगे एंडर आई, तो ये भर गए, अब भाई सब चलते हैं हम लोग उसे मारने के लिए। चलो सारे प्रिपरेशन हो चुकी है, बस नेदरराइट ब्लॉक हाथ में, एक टोटम हाथ में, और चलते हैं हम लोग उसे टपकाने, मिस मारने, खात्मा कर देंगे उस तो अंडर ड्रैगन का नष्ट। जल्दी भाई साहब कितना टाइम लगा ये, चलो भाई आ गए हैं हम लोग एंड वर्ल्ड में, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से नेदरराइट ब्लॉक से क्लाइंबिंग करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसे ही ऊपर जा सकता हूँ, पर चढ़ गया मैं, हाँ अरे भाई इस एंडरमैन का तो अलग ही दुश्मन, लो भाई एक अटैक में मर गया, मुझे स्ट्रेंथ की पोशन मिल रखी है, क्या कर लगा ये एंडरमैन मेरा। इस एंडर ड्रैगन को देखता हूँ इस शॉट से ये मरता है एक अटैक में या नहीं, तो ये भाई सब सही टाइम पर नीचे आ रहा था भाई, नीचे नहीं आया अभी तक भाई, आ गया है नीचे, अभी इसे मैं मारूँगा, अरे रुक 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 भाई रुक, ये ले भाई मर गया भाई एक अटैक में भाई, मज़ा आ गया, मैं क्या ही बताऊँ, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी हम लोग इसे मार देंगे, पर मर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इतनी कम एच पी थी ना इस शॉट की, बस दो ही बार यूज़ कर सकते थे, अभी इसने गिरा दिया एक्सपी। तो गाइस अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो फिर भी इसे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और मुझे कमेंट करो कि आप लोग को मेरी गेम प्ले कैसी लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और सराउंड सीरीज की वीडियो नेक्स्ट वाली लाने का ट्राई करूंगा मैं जल्दी।